In This module we will be learning in fact how to account for contract asset. So let's start discussing this scenario. Just make a sample telecommunication company is entering into a contract with this customer for two performance obligations. One is a handset dena usko at the point in time. And the second one is over the time period of 12 months, usne telecommunication services provide karniya customer. Ko. और दोनों की उसने प्राइस जो है वो बता दी कि हैंडसेट जो है ट्वेंटी फोर हंड्रेड का स्टैंड अलोन प्राइस है बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एट हंड्रेड बनती है ओके वो हमें बहरहाल इस में गिवन भी है वेल well, इसकी अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे पास एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर मोबाइल फोन कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट हो रहा है और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है अलॉन्ग विद द स्टैंड अलॉन प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन दैट वी हैव सोल्ड और वी हैव हैंड इड ओवर टू द कस्टमर ठीक है अब चूंकि इन्वाइस इश्यू नहीं की थी इसलिए हम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट कर रहे हैं और फिर जैसे ही हमने इनवाइस इश्यू की एट द एंड ऑफ हिच मंथ हमने ट्रेडेबल को डेबिट कर दिया अब देखिये इनवाइस वन थाउजेंड की थी अब चूंकि एट द एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब है कि ट्वेल्व इनवाइस ऑफ वन थाउजेंड ईच आपने इशू करनी है और इस वन थाउजेंड ईच में मींस इसकी टोटल आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो ट्वेल्व थाउजेंड बनेगी लेकिन इस वन थाउजेंड ईच में आपके पास दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एड्रेस करना एक टू और एक 800 800 हमें मालूम है कि हमारी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अगेंस्ट सेल्स रेवेन्यू है और 200 का सेल्स रेवेन्यू हम पहले ही इसके अंदर कर चुके हैं अब आप ये देखिए 200 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 2400 आप पहले सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हैं अब ये आपका ओवर द 12 मंथ्स टाइम पीरियड 2400 जो है वो एमोर्टाइज हो रहा है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट डी रेकनाइज हो रहा है अमोर्टाइज हो रहा है हर इनवाइस के बदले में तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट हो जाएगा हर इनवाइस के इशू होने पर यह है डी रेकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसेट कि जैसे ही हमने इनवाइस इशू करनी है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट डीरेकग्नाइज हो जाना है। और उसकी डी डीरेकग्निशन के अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाना इस पॉइंट को आप दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा This is very important point to learn. Thank you.